नमस्कार, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी खबर मिल रही है तेंदुखेड़ा के चौरपेटा ब्लॉक के अंतर्गत काचीखरी ग्राम से। पीडीएस का सरकारी अनाज एवं करी को हकडकाने वाला सप्लायर प्रशासन के पीछे। जी हम बात कर रहे हैं तेंदुखेड़ा के चौरपेटा ब्लॉक की, जहां ब्लॉक की सभी सोसाइटियों में नान का वेयर हाउस से पीडीएस का अनाज को सप्लाई करने का काम श्रीकांत अग्रवाल द्वारा किया जाता था, परंतु सोसाइटियों में मात्रा से कम अनाज देखकर बाकी माल खुद हजम करने की फिराक में यह सप्लायर प्रशासन के हत्थे चढ़ा। रात्रि करीब 10 बजे काशीखेरी ग्राम की सहकारी सोसाइटी में जो अनाज पहुंचाने का ट्रक गया था, उसने वहां पर 17 बोरी कम उतारा, जिसमें 15 बोरी चने की व 2 बोरी गेहूं की। ट्रक में बचे हुए सरकारी अनाज को किसी व्यापारी को बेचने की फिराक में यह राजमार्ग पर आ गया था। तभी सूचना मिलने पर मौके पर SDM पहुंचे और SDM ने ट्रक को पकड़कर थाने में खड़ा करवा दिया। सुबह प्रशासन एवं खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर जांच की तो पता चला कि चोरी किया गया माल राजमार्ग में बाजार में किसी व्यापारी को बेचा जाना था। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रक एवं चोरी के अनाज को जब्त कर सप्लायर श्रीकांत अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन गरीबों का निवाला छीनने में अमीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। देखकर इतनी बड़ी खबर मिली तेंदुखेड़ा के चारपांडू लगते, जहाँ पर एक सरकारी अनाज को चोरी से बेचने वाले का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में प्रशासन को ऐसे लोगों के साथ सख्ती के पेश आने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कि गरीबों का निवाला ये अमीर लोग इस तरीके से चोरी छिपे बाजार में इन्हें सप्लाई कर सकें और गरीबों को उनका हक, उनका भोजन, उनका खाना उनको मिल सके। देखते रहिए अति निज। गाड़ी के ऊपर पेश किया है सर, क्या मामला है? कल वही लगभग 10 बजे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि सोसाइटी काशीखेड़ी में एक गाड़ी जो नान से माल उठाया गया था, एक सप्लायर है अग्रवाल का, वो ट्रांसपोर्टर है, वो सब जगह सभी सोसाइटियों में सामान भेजता है। तो मेरे को पता ये लगा कि काशीखेड़ी सोसाइटी का कुछ माल था, काशीखेड़ी में उतारा जा रहा था। तो इन्फॉर्मेशन ये आई कि उसने कुछ उतारा और कुछ शेष जो माल था, 15 कुंटल चना और 2 कुंटल गेहूँ, बोरी कहेंगे उसको, तो वो वापस ले जा रहा था, वहाँ उतार करके वापस ले जा रहा था। तो जो गांव वाले थे, घनश्याम नाम का एक लड़का था, तो उसने उसको पकड़ा और राजमार्ग पर खड़ा कर दिया और इन्फॉर्मेशन मेरे को दी कि साहब इस तरह से पूरा माल नहीं उतारा है और कहीं ब्लैक मार्केटिंग करेगा और कहीं ले जा रहा है। मैंने फिर फूड इंस्पेक्टर को लगाया, तो फूड इंस्पेक्टर चूँकि कल वहाँ था नरसिंहपुर में, तो वो तो नहीं आ पाया। मैंने पुलिस थाने में इन्फॉर्म किया और मैं भी पहुँचा। तो जब तक मैं पहुँचा, जब तक पुलिस वाले भी आ चुके थे, तो मैंने गाड़ी में देखा कि 15 बोरी जो है चना और 2 बोरी गेहूँ लदा हुआ है। तो मैंने वो सामान से उनको थाने में खड़े करवा। आज 30 तारीख को पूरी कोर्ट की टीम आई थी हमारी, उन्होंने सब जांच करी है, पंचजना वगैरह बनाया है। तो ये पाया गया कि नान से जो पास जारी हुआ था, तो वो पूरा का पूरा माल काशीखेड़ी में उतरना था, उसने वहां ना उतार करके कहीं और ले जा रहा था और निश्चित रूप से संदेह यह है कि वो कहीं बेचता ब्लैक मार्केट। तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अपन करेंगे और मैंने फूड वालों को दिया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज।